जाते हैं जाना कैसा है। और कब्र की ज्यारत सबसे पहले किसने की है मोहतरम? तो सबसे पहले किसने की है? पहले इसे बता रहा हूँ ताकि ये अमल हमें जो आज की जारी है और हम सब ये दुआ करते हैं मौला हमारी आने वाली नस्लें भी इस अमल से बरकत हासिल करती है। श्याम के दुलारों सबसे पहले कब्र पर कौन गए हैं, कहां से जाना शुरू है, ताकि वो लोग जो जाने वालों को कब्र बुदवा कहते हैं वो अपने कौल में सच्चे हैं या झूठे हैं बात को समझ में आए। तो सुनिए हजरत आदम अलैहि सलाम ज़ियारत हरम के लिए तशरीफ ले गए, जब फारिग होकर आए तो उनके साहबजादे उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचे। उनमें से एक बेटा हजरत हाबील नहीं, जब हजरत हाबील ना आए तो हजरत आदम अलैहि सलाम अपने हाबील को तलाशने, बाप के दिल में बेटे की कितनी मोहब्बत होती है इस वाकये से सबक हासिल करना चाहिए। हजरत आदम अलैहि सलाम बेचैन हो गए अपने हाबील की खैरियत लेने के लिए, पूछा मेरा हाबील कहाँ है, तो लाइल्मी का इजहार किया मालूम नहीं। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने हाबील को जब न पाए तो कभी जंगल में कभी पहाड़ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने हाबील को तलाशते रहे, अपने हाबील को खोजते रहे। 7 रोज तक बगैर खाए बगैर पिए बगैर सोए हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हाबील को तलाशते रहे, पूछते रहे मेरा हाबील कहाँ है। एक दिन ऐसा हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम 8वीं शब को सोए तो देखा ख्वाब में हजरत हाबील आए और अर्ज किया या बताओ अल्लाह ऐशान की दुआ हजरत हाबील ने हमें आदम अलैहिस्सलाम से मदद चाहिए, बाबा मदद कीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए, जब बेदार हुए को देखा न आए न पाए न आगे न पीछे, कहीं मेरा हाबील नहीं है कहीं मेरा हाबील नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत हाबील को नहीं पाया तो बेचैन हो गए बेकरार हो गए और उसी बेचैनियों बेकरारी में माशाल्लाह नारे तकबीर। देखिए माहिर वेदो पुराण फाजले संस्कृत हजरत कारी कासिम रजा चतुर्वेदी महाराज की आमद आमद है। नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत कारी कासिम रजा चतुर्वेदी उलमाए अहले सुन्नत अवामे अहले सुन्नत। माशाल्लाह देखिए मैंने पहले ही कहा था चतुर्वेदी महाराज आएंगे, यजुर वेद श्याम वेद कोटको वेद आपको पढ़ के सुनाएंगे। तो आप ने देख लिया कि हमारे खुतबा यके बाद दीगर तशरीफ ला रहे हैं माशाल्लाह। आप काजी मनी साहब की तशरीफ आवरी हो गई है और मेरी तकरीर का बहुत थोड़ा पड़ा गया, इसलिए आप गौर समाज करें इस बात पर। मैं जो आज कर रहा हूँ कि आज पहले ईमान यहाँ जो ये अमल है कब्रों पे जाना ज़ियारत करना तो ये कम से शुरू है, वो मैं बता रहा हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए उसी बेचैनी में बेदार हुए, दाएं देखा बाएं देखा आगे देखा पीछे देखा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने हाबील को ना पाए बेचैनी में अपने बेटे की जुदाई के गम में बेहोश हो गए। जब बेहोश हुए और होश में आए तो हजरत जिब्राइल आलिम है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल से पूछा जिब्राइल मेरे हाबील के बारे में आपको कोई वाकफियत है कोई पता है? तो हजरत जिब्राइल कहते हैं हाँ आपका बेटा का भी आपके हाबील को कत्ल कर दिया, इस जमीन के ऊपर पहला कत्ल था, इससे पहले किसी ने किसी का मदद नहीं किया था, ये पहली मौत थी, इससे पहले कोई मरा नहीं था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम
डाला कि कब्र पर जाने वाले सबसे पहले इंसान, इंसानों में सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहि सलाम, उनसे पहले कोई इंसान नहीं, तो सबसे पहला इंसान, सबसे पहले आदमी हजरत आदम अलैहि सलाम है, और जो सबसे पहली कब्र है वो हजरत हाबील की है, उनसे पहले कोई बना नहीं है, किसी का इंतकाल नहीं हुआ है। तो ऐ दौलतपुर के शाह दौलत के कब्र पे आने वाले आने वालों पर एतराज करने वाला जिनके दादा ने जिनके दादा हजरत आदम अलैहि सलाम ने सबसे पहले अपने बेटा हाबील के कब्र पर जाकर ये बता दिया अहले ईमान को अहले इस्लाम को कि कब्र पे जाना जाए, क्या बात है, वाह पे जाना जाए। तो सबसे पहले हजरत हाबील की और उस पहले कब्र पर सबसे पहले जाने वाले इंसान पहले इंसान हजरत आदम अलैहि सलाम है। ये तो दादा आदम ही ने चालू किया, पता ये चला कि उलमाए बरेलवी जो जाकर और जाने की तालीम देते हैं इसलिए देते हैं ये दादा आदम के पक्ष में सच्चे और वफादार अल्लाह सलाम का फरमान। कुछ लोग कहेंगे कि हम उम्मते मोहम्मदी हैं, हम उम्मते मोहम्मदी हैं तो क्या मतलब, उम्मते मोहम्मदी हैं तो क्या नबी ने हमें मना किया, नबी ने हमें कब्र पे जाने से रोका है? तो इस सिलसिले में अपने आका का फरमान सुनिए। आका फरमाते हैं तो मन यार पूरे फतुआ, मैंने तुम लोगों को कब्रों की ज्यारत से रोके रखा था, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ उसकी ज्यारत करो। मोहम्मद अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस तहरीर इस हदीस शरीफ के शरह में तहरीर फरमाते हैं दौरे जमाने जाहिलियत के कुर्ब के सबब से इसलिए रोका गया था, कई लोग दौरे जाहिलियत द्वारा सुलूक न करें, लेकिन जब लोग इस्लाम की तालीम से वाकिफ हो गए तो अल्लाह के नबी ने इजाजत दी है। इस्लाम के बुलारो गोया के कब्रों की ज्यारत की इजाजत मेरे सरकार ने दी है। एक मुकाम पर अल्लाह के नबी का ये भी फरमान है, आकाए कायनात फरमाते हैं कौन कौन है मैंने तुम लोगों को कब्रों की ज़ियारत से रोके रखा था, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ उसकी ज़ियारत करो, क्यों? इसलिए कब्रों की ज़ियारत करने से दुनिया से बेदारी और आखिरत की याद आती है। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको अपने आखिरत और अपनी दुनिया को आबाद करना नसीब अता फरमाए, कहिए आमीन सुभान अल्लाह। लेकिन इस्लाम की गुलामी कम है वरना तकलीफ और बढ़ाता, कब्रस्तान जाया करें, कब्रों पर जाया करें तो एहतराम जरूरी है। वो जो है इस्लाम के दुलारों आदमी ये कर रहा था, बताइए रहा था कि आप जाएं तो एहतराम जरूरी है। कब्रस्तान में ऐसे ही घूम के खाना पीना ये सब जानते हैं, ख्वाजाए पाक रजी अल्लाह तआला का इशारा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला ने, जो ख्वाजा पाक के मुरीद और खलीफा हैं और पहले खलीफा हैं जिनका मदार शरीफ बेरौनी शरीफ में है, आप आते हैं कि कब्रस्तान में ऐसे घूम के फिर के यानी कब्रस्तान में खाना पीना आपने मना फरमाया, और बल्कि आपका फरमान यहाँ तक है उस शख्स को आपने मलून और मुनाफिक करा दिया, इसलिए एहतराम कब्रस्तान जरूरी है इस मामले में कि वहाँ से इबरत हासिल करना, वहाँ से सबक हासिल कीजिए, आप अपने आखिरत पर फिक्र कीजिए। हमारे आबा और अजदाद यहाँ मदफून हैं, दौलत शाह यहाँ मदफून हैं, आप किसी कब्रस्तान में आप सोचिए एक दिन ऐसा आएगा हमें भी यही दफन होना है, इसलिए आप अपने मौत को याद कीजिए और आप अपने आखिरत की फिक्र कीजिए। अल्लाह तौफीक दे, कहिए आमीन। इस्लाम के गुलाम वो आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने की इजाजत दी है कब्रों को ज़ियारत के लिए। अब सुनिए आकाए कायनात का जाना भी सिर्फ
भी आए हाय हाय के लिए मेरे नबी ने और मेरे सरकार खुद जाया भी करते थे जैसा कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा होना आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं अल्लाह के प्यारे नबी जब भी मेरे घर तशरीफ फरमा होते रात के आखिर हिस्से में जन्नतुल बकी तशरीफ ले जाया करते थे। जन्नतुल बकी क्या है? ये मदीना शरीफ का कब्रिस्तान गोया के नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना भी था तो उम्मत को अपने नबी के तरीके पे अमल ही तो करना। अल्लाह ताला अमल की हमें और आपको तौफीक दे कही आमीन। एक बात और आखिरी अर्ज करूं, आखिरी का इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी नबी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला से ज्यादा कोई इस्लाम के कानून से मोहब्बत किया है या कर लेगा? एक झूठ बोलते तो 72 की जान बच जाती। सिर्फ इतना कहते इमाम हुसैन यजीदियों मैंने यजीद की बैत कबूल कर ली, यजीदियों मैंने यजीद की बैत कबूल कर ली है और बाद में इनकार कर जाते। एक झूठ बोलने से 72 की जान बच रही थी लेकिन आका हुसैन ने एक झूठ बोलकर 72 को नहीं बचाया बल्कि 72 को देकर सदाकत को बचाया है, इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला 72 देके दीन को बचा दिया। उनसे ज्यादा कोई दीन को क्या समझेगा? उनसे ज्यादा कोई इस्लाम से क्या प्यार करेगा? अब सुनिए इमाम हुसैन की जिंदगी का एक हिस्सा जो पढ़ रहा था कब्र के हाजिरी के सबूत पर। हाय 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 हजरत इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला 60 हिजरी है आप मदीनतुर रसूल छोड़ रहे हैं मदीना से निकल रहे हैं कब्र पे जाने वालों को कब्र खुदवा कहने वालों शर्म की जरूरत है। हजरत इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से कहते हैं बहन ज़ैनब मौका मिले न मिले चलो नाना के रौजे की जी भर ज़ियारत कर लें और अपनी जान के तुर्बत पर फातिहा पढ़ लें। मौका मिले न मिले अगर जाना गलत होता तो इमाम हुसैन न जाते आए नाना के रौजे पे अलविदाई सलाम पेश किया अर्ज किया आज बहुत से लोग बेशर्मी की हद है हुजूर के रौजे की ज़ियारत को भी गलत बताते हैं यहाँ तक बेशर्मी की हद है। लेकिन सुनिए आका इमाम आली मकाम आए या नाना जान ये वही हुसैन आया है जिसे सीने पे सुलाया करते थे कांधे पे बैठाया करते थे नाना जी हुसैन को धूप में निकलने पे आप बेचैन हो जाते जिस हुसैन का रोना आपको पसंद न था बेचैन हो जाते थे आपका वो हुसैन वतन से दूर हो रहा है जिस इस्लाम को फैलाने के लिए आप मक्का से हिजरत करके मदीना आए उसी इस्लाम को बचाने के लिए आपका हुसैन अब मदीना से करबला जा रहा है। लेकिन नाना जान ए इस्लाम के दुलारो ये इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अपने नाना जान के रोजे पे जाकर अर्ज कर रहे हैं अर्जी लगा रहे हैं ज़ियारत कर रहे हैं वहां से जब फारिग हुए तो अपने अम्मी जान के कुर्बत पर आए अपने अम्मी जान के मज़ार पर आए। ए इस्लाम के दुलारों ज़ालिमों ने उनके अम्मी जान के मज़ार की जो हुर्मती की अल्लाह अपने महबूब के सदके उन ज़ालिमों को हलाक और बर्बाद कर दे। हजरत सैयदतुल खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कब्र पे उनके मज़ार पे हजरत इमाम हुसैन आए और याद रखिए कब्र पे जाने का माँ के कब्र पे जाने का तरीका सीखी आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन दारो कतार हो रहे हैं हमने जान ये वही हुसैन आया है जिसको कुरान पढ़ के सोलाया करती थी दुरूद पढ़ के जगाया करती थी ये वही हुसैन आया है। अम्मी जान और फूट फूट के रो भी रहे दारो कतार रो रहे अम्मी जान जाने को जी नहीं चाहता लेकिन जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा अजमत इस्लाम के खातिर खुदा के दीन के खातिर नबी के नाम के खातिर नाना के रोजे पे भी इमाम हुसैन ने कहा अम्मी जान से भी अभी इमाम आली मकाम दारो कतार हो रहे
हुसैन कत्ल कर दिया जाएगा। अगर हुसैन रो रहा है तो सिर्फ इसलिए रो रहा है हुसैन से नाना का शहर छूट रहा है और हुसैन माँ की कुर्बत के जियारत से महरूम हो रहा है इसलिए हुसैन रो रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ एक काम के गुलारों देखें मेरे आका इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला माँ की कुर्बत के जियारत से महरूमी के सबब आप मदीनतुल मुनव्वरा में रो रहे हैं। महरूमी के सबब हजारों कतार रोने लगे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ इस्लाम के गुलारों इसलिए आप अंदाजा लगाएं माँ बाप के कब्र की ज़ियारत की अहमियत कितनी है। अहले ईमान की कब्रों की ज़ियारत करनी चाहिए बुजुर्गों की कब्रों की ज़ियारत करनी चाहिए उससे बरकतें मिलती है पैर मिलता है। अगर कोई रोके तो आप न रुके और सिर्फ इसका इंतजार न करें कि आप शाबान की 15वीं रात को जाएं। ये माह रजब मुरज्जब है बड़ा बरकत और अजमत वाला है हलाल बयान करने का वक्त नहीं है। अब माह शाबान के 15वीं शब का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ऐ शाम को दुआओ अल्लाह तौफीक दे तो हर दुआ करो अपने माँ बाप के कब्रों की ज़ियारत को जाया करें। आका कायनात इरशाद फरमाते हैं जो शख्स हर जुमा करे शोराए इस्लाम तो हो जाती है। अब ये कर रहा था क्या कह रहा था बताइए क्या कह रहा था बताइए वो खा रहे हैं कि आप लोग सुन रहे हैं क्या प्रोग्राम है। अब्दुल साहब ने तो कहा था कि साल मुख्तसर ही है तो मुख्तसर ही है अल्लामा शाह कारी मोहम्मद मोती रहमान अब्दुल्ला की जलवा गरी होगी और आप ही की दुआ भी जल से काम है फकीर पसंद कर रहा है। अब कर रहा क्या कर रहा था आप लोग सो गए सब लोग जगे हैं माशाल्लाह जी। असल में इसलिए जगे हैं हाथ उठाएंगे बहुत से लोग उठा भी देते हैं। जगा हुआ आदमी सोया हुआ आदमी तो हाथ उठा ही नहीं सकता वो तो जगा रहता कभी कभी नहीं उठा। चलिए ठीक है बस मैं समझ रहा हूँ कि आप सुन रहे हैं लेकिन जैसे सुन रहे हैं वो आपको समझ रहे हैं। चलिए अब मैं ही कह रहा हूँ हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अम्मी जान के रोजे पर जाकर अर्ज किया अम्मी जान अगर हुसैन रो रहा है तो सिर्फ इसलिए रो रहा है हुसैन नाना के शहर से दूर हो रहा है और माँ की कुर्बत के ज़ियारत से महरूम हो रहा है। इस्लाम के दुलारों आप अंदाजा लगाएं माँ के कब्र की ज़ियारत की अहमियत कितनी है। आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया जो शख्स हर जुमा के रोज याद कीजिए हर जुमा के रोज किसी महीने में चार जुमा पांच जुमा भी हो जाता है हमारा इस्लाम तो हमें ये सिखाता है हर जुमा के रोज जो शख्स अपने माँ बाप के कब्रों पर या उनमें से एक के कब्र पे जाया करेगा वो फिर लहू को देवा बर्रा वो दुनिया जाएगा और नेकी करने वाला लिखा जाएगा। इसलिए किसी के मना करने की जरूरत मना करने पर आपको रुकने उकने की जरूरत नहीं है अपने काम को जारी रखिए लेकिन इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए जैसे नमाज पढ़ने का तरीका है रोजा रखने का तरीका है खाना खाने का तरीका ऐसे कब्र की ज़ियारत का भी तरीका है इंशाअल्लाह उलमा बयान करते रहते हैं किताबों में लिखा हुआ है तो उस पर आप अमल करें हम अमल करें अल्लाह की तौफीक दे इस्लाम जिंदाबाद।